अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऐज़ान और आप देख रहे हैं सी टेक। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अलफ़ता स्टोर गुजरांवाला वाला जो है वहाँ पे मौजूद हूँ। और अलफ़ता के बारे में आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी मौजूद है। यहाँ से आप आलमोस्ट हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स जो होम अप्लाइंसिस है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ एक पोर्टेबल एसी की। ये वेस्ट पॉइंट का एसी है और एक टन में ये आता है और मैं आपको आगे चल के इसकी बताऊँगा कि कितनी पावर कंजप्शन है इसकी। और ये प्रॉपर एक एसी है जो कि 12 फुट बाई 12 फुट मतलब 12 स्क्वायर फुट के जो रूम में काफ़ी इजीली ये परफॉर्मेंस दे सकता है अच्छे वाली। और जस्ट हमने इसको एक शू में लगाना है और इसको ऑन कर देना है और एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इस वक्त आपके सामने मौजूद है वेस्ट पॉइंट का पोर्टेबल एसी। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक टन में आता है। तो सबसे पहले आपको इसका वॉकराउंड प्रोवाइड करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इसकी फ्रंट साइड। तो फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी एलिगेंट, काफ़ी खूबसूरत ये एयर कंडीशनर है और बिल्कुल प्लेन स्मूथ इसकी जो शाइनी वाइट कलर में प्लास्टिक बॉडी आती है। और आप देख सकते हैं राउंडी शेप में है ये। तो ऊपर आप देख सकते हैं वेस्ट पॉइंट की ब्रांडिंग है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पावरफुल कूलिंग फंक्शन और फोर डायरेक्शन एयर फ्लो मेंशन है यहाँ। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी साइड की, तो साइड पे आप देख सकते हैं इसका काफ़ी खूबसूरती से इसका हैंडल लगाया गया है। और अगर आप इसको वैसे देखेंगे आपको नहीं लगेगा कि शायद ये हैंडल है। तो जब आप इसको इसके करीब जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये हैंडल बनाया गया है। तो नीचे वाली तरफ आ जाती है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो आप स्पेसिफिकेशंस की तरफ नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं वेस्ट पॉइंट पोर्टेबल एयर कंडीशनर मेंशन है और मॉडल इसका आप देख सकते हैं WPT12170LRC। ये इसका मॉडल है। कैपेसिटी 12,000 BTU पर और मतलब पूरे एक टन का ये एयर कंडीशनर है। और रेटेड करंट इसकी 5.3 एम्पेयर, रेटेड इनपुट पावर 1200 वाट और मैक्स करंट जो है इसकी मैक्सिमम जो करंट है 7.4 एम्पेयर लेगा ये। और जो मैक्सिमम इनपुट पावर है वो 1500 वाट मतलब 1500 वाट का है ये। और इसके अलावा एयर फ्लो वॉल्यूम मेंशन है वो आप देख सकते हैं, रेटेड फ्रीक्वेंसी, नॉइस सभी कुछ इसका मेंशन है। इसकी जो वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन रेटिंग है वो भी मेंशन है यहाँ पे। तो ये है इसकी स्पेसिफिकेशंस। तो अब देखते हैं इसकी बैक साइड। तो अगर बैक साइड की बात कर लें तो बैक साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर वैसे ही राउंडी शेप में है, एक जैसा इसका जो इसकी जो बॉडी है वो बनाई गई है राउंडी शेप में। तो यहाँ पर आ जाता है इसका जो फ़िल्टर वगैरह होता है वो, और साथ कंडेंसर और पाइप्स वगैरह भी इसके देख सकते हैं। और नीचे वाली अगर तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे भी हमें कुछ वो वेंटिलेशंस मिलती हैं ऊपर की तरह। और अब ये जो एक आप होल देख सकते हैं राउंड शेप में, ये है एक्चुअली इसका, आप इसको कह सकते हैं आउटडोर एज अ परफॉर्म करेगा। इसके आगे एक पाइप लगेगा जो कि आगे से जाके ब्रीक हो जाएगा, मतलब आप इसको रूम से बाहर निकाल सकते हैं। और आगे से इसकी जो थिकनेस है पाइप की वो कम हो जाएगी काफ़ी, जो जो दरवाजे के नीचे जो मतलब जो डोर के नीचे जो स्पेस होती है वहाँ से इसकी जो हीट है वो बाहर निकलेगी। और इसके अलावा नीचे वाली तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इसका ड्रेनेज पाइप, यहाँ पर इसका पाइप लगेगा और इसकी जो ड्रेनेज है मतलब जो इसका वाटर है वो हम बाहर निकाल सकेंगे। दूसरी साइड की बात कर लें तो सेम प्रोफाइल हमें मिलती है, जस्ट इसके ऊपर ये एक हैंडल बनाया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरती से एडजस्ट किया गया है। और नीचे वाली साइड पे हमें ना ही कोई ब्रांडिंग वगैरह मिलती है और कुछ भी नहीं मिलती सिवाय एक स्क्रू के। तो इसके बाद आ जाते हैं हम इसके ऊपर वाली तरफ टॉप पे। तो अगर टॉप की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी है बट इसके ऊपर भी हमें जो सभी कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास मोड का बटन है, उसके बाद टाइमर, उसके बाद प्लस माइनस, फ़ैन की स्पीड एडजस्ट करने के लिए और पावर। और ये हैं इसकी लाइट्स, कूल मोड, ड्राई मोड, फैन मोड और ये टाइमर, मतलब इसमें तीन मोड्स हैं। ये सिंपल कूलिंग करेगा, ये ड्राई करेगा ह्यूमिडिटी वगैरह के लिए, और ये सिंपल फ़ैन चलेगा। और ये इसका टाइमर है और ये छोटा सा इसका डिस्प्ले है जो कि 2 डिजिट्स हैं। और इसके अलावा हाई, मीडियम, लो और ऑटो, ये फ़ैन स्पीड्स हैं। ऑटो पर भी कर सकते हैं और तब ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा फ़ैन अपनी स्पीड्स को, और हम मैनुअली भी इसके लो, मीडियम और जो हाई है कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इसकी जो कूलिंग है वो कहाँ से आएगी, यहाँ से हमने इसको पुल करना है। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको जो ब्लोअर है वो नज़र आ रही होगी, यहाँ से इसकी जो थ्रो है वो आएगी। और क्योंकि इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ से जो एयर का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में बाहर को आएगा
और पूरे कमरे में हमें अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। और एक साल की इसकी लिमिटेड वेस्ट पॉइंट की वारंटी है। और अल्फ़ता स्टोर से अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आपको 95,000 रुपीज़ में ये मिलेगा। और आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर भी मैंशन है। और अगर ईद से पहले पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तब ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद इसको चला के चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो 3-पिन शू हमें मिलता है और फ्यूज़ है, इसके अंदर फ्यूज़ भी है। तो जस्ट आपके घर में इस तरह का जो प्लग है, मतलब जो सॉकेट है, वो होनी चाहिए। जस्ट इसको हम लगाएंगे और ये जो चल जाएगा। इसको काइंडली लगा के चेक करवा दें। तो भाई ने जैसे इसको प्लग इन किया तो ये टर्न ऑन हो गया। और इसको काइंडली ऑफ करके दोबारा ऑन कीजिएगा, मैं लाइट्स दिखाना चाहता हूँ व्यूअर्स को। ये आप देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले है वो इनेबल हो गया और पावर वाला हमने बटन ऑन किया तो इसके ऊपर डिस्प्ले आ गया जो जिसके ऊपर 18 मेंशन है। और इस वक्त इसकी जो काफ़ी अच्छी थ्रो है वो आ रही है। अब आई थिंक इसके साउंड से भी थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा इसकी थ्रो का। और अभी चंद सेकंड में इसकी जो कूलिंग है वो भी आना स्टार्ट हो गई है। ऐसा नहीं है कि पहले अभी हाल ही फ़ैन चल रहे हैं, मतलब अभी इस वक्त ये कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है बाकायदा। तो इस वक्त फ़ैन स्पीड ऑटो पे है और इसके अलावा कूल मोड पे है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और बैक साइड पर मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ से इसकी गर्म हवा भी आना शुरू हो गई है। तो यहाँ से इसका टोटल जो हॉट एयर फ्लो है वो होगा और यहाँ से इसकी कूलिंग होगी और काफ़ी मज़े की कूलिंग है। तो अच्छा, अब इसकी फ़ैन स्पीड को हम लो करके देखते हैं। ये इस वक्त इसकी लो है फ़ैन स्पीड, ये मीडियम और ये हाई। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं जो कि 32 है मैक्सिमम। और अगर कम से कम की बात करें तो 18 तक आता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इस वक्त 18 पर ये काफ़ी अच्छी कूलिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। तो बाकी डिफरेंट मोड्स हैं, ये टाइमर है और मोड वाले बटन से हम मोड चेंज कर सकते हैं। तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ आपको। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।